Hello, Mr. Bond. How are you guys? So welcome back to Diesel Gaming's new YouTube video. जैसे कि आपने देखा जो ग्रोजा है वेपन बहुत ही पावरफुल वेपन एक चिकन डिनर ला सकता है ऐसा वेपन है पर ग्रोजा को कंट्रोल करना ग्रोजा की एक बहन है या फिर उसका भाई है AKM दोनों ही वेपन्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते बहुत ही बढ़िया वेपन्स है बट दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है उनके रिकॉइल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है बट जैसे आपने देखा हमने अभी ग्रोजा से चिकन डिनर ले आया तो मुझे पता है मुझे इसकी ट्रिक्स पता है कि आप कैसे AKM और ग्रोजा को रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो और आप जैसे चाहो उसे यूज़ कर सकते हो तो अभी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी कैसे ग्रोजा और AKM को कंट्रोल कर सकते हो एंड बिकम अ प्रो ग्रोजा एंड AKM प्लेयर तो सीधा अभी चल आ गए हम ट्रेनिंग जोन में तो ट्रेनिंग जोन में सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ग्रोजा और AKM और उसका एमओ पिकअप कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हमें करना है क्या तो गाइस ग्रोजा और AKM में कोई भी ग्रिप नहीं लगती कंपेंसेटर AKM में लगता है कंपेंसेटर ग्रोजा में नहीं लगता लगता तो हम ग्रोजा में भी कंपेंसेटर ही यूज़ करते हैं बट सिर्फ सप्रेसर लगता है ग्रोजा में तो वो ले लेंगे और थोड़ा हम एमओ ले लेंगे दोनों में 4x लगा लेंगे और अब आ गए हम सीधा शूटिंग रेंज में अब मैंने 2x जो स्पीड एडिट था वो बंद कर रहा हूँ 60 मीटर पे मैं अभी फायर करूँगा और अगर आपने मेरा हाउ टू कंट्रोल रिकॉइल वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको जल्दी से देख लीजिएगा तो पहले मैं बिना रिकॉइल के शूट कर रहा हूँ आप देख सकते हो AKM का रिकॉइल कितना ज़्यादा है कंपेंसेटर लगाए फिर भी बहुत ऊपर तक जा रहा है कंपेंसेटर नहीं होता तो बहुत ही ऊपर जाता और राइट लेफ्ट में भी बहुत मूव करता ग्रोजा का भी आप देख सकते हो उसका भी रिकॉइल बहुत ज़्यादा है सिर्फ अभी हम 30 का एमओ है 40 का एमओ नहीं है इसलिए बहुत ऊपर नहीं जा रहा बट यस रिकॉइल बहुत ज़्यादा है तभी हमें क्या करना है रिकॉइल को कंट्रोल करना है तो कैसे करें तो बहुत ही सिंपल है आपके लेफ्ट थंब से फायर कीजिए और राइट थंब से नीचे स्वाइप कीजिए जो आपका एम है उसको राइट थंब से नीचे स्वाइप कीजिए जबकि आप लेफ्ट थंब से फायर कर रहे हो यहाँ देखिए कितने प्रिसाइज शॉट्स लग रहे हैं 3-4 बॉडी शॉट 1-2 हेड शॉट और आदमी जो हमारा एनिमी है पूरा का पूरा डेड हो जाएगा ग्रोजा हो या फिर AKM हो दोनों ही पावरफुल वेपन्स है तो थोड़े ही बॉडी शॉट लगेंगे फिर भी डेड हो जाएंगे और हेड शॉट लगे तो एक या दो में ही बंदे का काम तमाम है अभी थोड़ा दूर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि रिकॉइल कितना अच्छे से कंट्रोल होता है मेरी चीज से 80 मीटर पे देखिए हेड शॉट्स लग रहे हैं चेस्ट शॉट्स लग रहे हैं और गाइस देखिए सिंपल सी ट्रिक है लेफ्ट थंब से फायर करना है और राइट थंब से नीचे स्वाइप करना है अगर लेफ्ट में मूव होता है तो राइट में स्वाइप कीजिए राइट में मूव होता है तो लेफ्ट में स्वाइप कीजिए बहुत ही सिंपल है दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल द रिकॉइल ऑफ AKM और ग्रोजा कोई भी वेपन हो आप कर सकते हो बट AKM और ग्रोजा का वेपन का रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा है कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो एक बार क्या कीजिएगा एक बार ट्रेनिंग में आ जाएगा और फिर एक बार देख लीजिएगा कि आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल द रिकॉइल ऑफ ग्रोजा एंड AKM तो देखिए गाइस ग्रोजा कितनी पावरफुल वेपन है मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये जो कार है यहाँ पे उसमें मैंने सिर्फ थोड़ी शॉट्स मारे ज़्यादा नहीं मारे बिल्कुल थोड़े रिसर्च शॉट्स लगे देखे सारे के सारे बोनेट पे और थोड़ी शॉट्स में कार पूरी ब्लास्ट हो गई सो बहुत ही पावरफुल वेपन है दोनों के दोनों और अब मैं आपको थोड़े उसके स्किल्स दिखाऊंगा दोनों ही वेपन के और आप देखते रह जाएंगे कि कितने बढ़िया कितने पावरफुल ये वेपन है और कितने बढ़िया इससे किल्स होते हैं तो अभी मैं सीधा चलूँगा आर्केड मैच में और आर्केड में मैं आपको दिखाऊंगा इसके बहुत ही बढ़िया किल्स तो ये सिर्फ किल्स का कॉम्पिलेशन है अगर आपको ऐसे ही और भी बढ़िया किल्स देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि भाई एक किल्स का कॉम्पिलेशन वीडियो बना दो और आप कोई भी वेपन जो भी आपको वेपन का किल्स का कॉम्पिलेशन चाहिए उसके बारे में लिख देना और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर दूँ तो यही गाइस अब मैं चलूँगा और सीधा एक वॉइस ओवर अब मैं ख़त्म करूँगा और म्यूज़िक को मैं बचने दूंगा और आप एंजॉय कीजिए ग्रोजा और AKM के किल्स और गाइस बहुत ही बढ़िया वेपन से दोनों चिकन डिनर भी आ जाएगा पक्का अगर आप ये दोनों यूज़ करना पसंद करोगे अगर आप गेम में यूज़ करते हो तो यही था गाइस आज का वीडियो एंजॉय करना किल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलेगा एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अल्टिल नेक्स्ट टाइम गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग